चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम, ख्वाजा उस्मान हारूनी, अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? मैं सबसे पहले आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, उससे पहले इसका उत्तर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ख्वाजा उस्मान हारूनी, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती के चेले जो है राजस्थान में हुए शिष्य, उनमें हम जानते हैं हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन याद रखें, है ना। तो इस प्रकार से ये ख्वाजा उस्मान हारूनी होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं ख्वाजा साहब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख देता हूं, हो सकता है किताबों में आपको नहीं मिले लेकिन यहां मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है 1192, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 1233, और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है 1464 और सॉरी 1332 और चौथा पॉइंट है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1464 ये, और उसके बाद में है 1500 आपका लगभग 61 और 62। ये 4-5 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। गुरुजी ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता दो। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं, कहते हैं ख्वाजा साहब उस समय की बात है, ईरान जो है ईरान को फारस कहा करते थे, फारस ईरान को। ईरान के अंदर एक शहर था, जगह थी संजरी नाम की, वहां पर इनका जन्म हुआ। आगे चल करके मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, आपको याद होगा 1191 1192 में, ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात कौन करते हैं, पृथ्वीराज विजय कहते हैं, तो जयानक भट्ट कहते हैं, पृथ्वीराज विजय जिन्होंने लिख किया, जयानक भट्ट जो कि कश्मीर के थे वो कहते हैं, कि ये संत जो है उनके साथ आए थे। तो मोहम्मद गोरी के साथ आए और राजस्थान के अंदर 1192 में प्रवेश करते हैं अजमेर में। तो सीधी सी बात है, अजमेर में कब आए आप लिख सकते हैं 1192। तो ये अजमेर आगमन होता है गोरी के साथ, गोरी के साथ ही अजमेर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन है, वेरी इंपोर्टेंट, और आगे चल करके ये अजमेर में ही रह जाते हैं, अजमेर में ही मन लग जाता है, यहीं पर इनका खानखाना स्थापित होता है, अर्थात धर्मशाला खानखाना जिसको हम कहते हैं। और कहते हैं कि बहुत समय के बाद लोगों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, और सभी वैसे एक सांप्रदायिक एकता का इन्होंने उपदेश दिया था, ऐसा हमारे हमने इनके ग्रंथों में और सारी चीजों में देखा है। अंततः 1233 क्वेश्चन आया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन कब हुआ, निधन को इंतकाल भी कहते हैं, कब हुआ ये क्वेश्चन आ चुका है 1233 1235 1236 वगैरह वगैरह। तो आप याद रखेंगे 1233 में निधन हो गया था, कहां पर हुआ था, अजमेर में। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1332, एक तकड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 1332 1333 के आसपास की बात है। उस समय दिल्ली का सुल्तान, क्योंकि उस समय तुगलक वंश हुआ करता था, जहां तक मेरा आइडिया है, कौन हुआ करता था, तुगलक वंश हुआ करता था। चलो भाई बहुत बढ़िया, तुगलक बिल्कुल। तो तुगलक वंश की बात करते करते मेरे को याद आ गया MBT, अरे वही आदमी जिसने बार बार राजधानियां परिवर्तित करी थी, राजधानियां परिवर्तित करने के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया, बाकी टैलेंट बहुत था उस आदमी में, नाम है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मैं लिख देता हूं मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखें मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में मैं क्या लिखना चाहता हूं, 1332 में ख्वाजा साहब की दरगाह पर आने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान था। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया कि वह कौन सा सुल्तान है, वो दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो सबसे पहले ख्वाजा साहब की दरगाह पर आया। दोस्तों ख्वाजा साहब की दरगाह पर सबसे पहले आगमन का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अब आपको एक तकड़ी बात बताता हूं, कहते हैं कि गोरी चला गया 1192 के बाद में, यहां रहा नहीं, चला गया और इल्तुतमिश रहा काफी सालों तक। इल्तुतमिश ने आगे चल करके छोटी सी कच्ची एक दरगाह जो है वो बना करके छोड़ दी थी, और बाद में उसके जाने के बाद बहुत सालों के बाद में लगभग 1332 में मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर जियारत करने आया था, ऐसा मैंने सुना है, कहीं देखा भी है और क्वेश्चन भी आया है। तो आप आज के बाद याद रखेंगे सबसे पहले जियारत करने वाला मुस्लिम सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, आप याद रखें 1332। लेकिन आगे चल करके एक मांडू का सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम मिलता है, वो भी खिलजी था, गयासुद्दीन खिलजी। दोस्तों आपने कभी नाम सुना होगा गयासुद्दीन खिलजी जो है वो एक तकड़ा काम कर जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा जो कच्ची दरगाह बनाई गई थी उस दरगाह को विस्तार देता है और उसका पक्का निर्माण कर देता है। तो आपको कोई पूछे कि वह कौन सा खिलजी सुल्तान था जिसने ख्वाजा साहब की दरगाह का पक्का निर्माण करवाया, आप याद रखेंगे गयासुद्दीन खिलजी, याद रखें। तो बताइए सबसे पहले इनकी कच्ची दरगाह का निर्माण किसने कराया, इल्तुतमिश ने। आगे चल करके पक्का किसने किया, मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। और इससे पहले आ गया था 1332 में मोहम्मद बिन तुगलक आया था, पैसे नहीं थे, हो सकता है राजधानी बदलने के चक्कर में खत्म हो गए होंगे इसलिए इसने बना नहीं पाया, बाकी इसने हिम्मत की और ये बहुत अच्छा काम कर दिया। आगे चल करके मैं 1561-62 की बातें इसलिए करता हूं, आपको याद होगा कि अकबर अपने पुत्र के, भाई मेरा एक पुत्र हो जाए और मैं जियारत करने आया हूं, तो मन्नत मांगने आया था, आपको याद होगा। बीच रस्ते में ही उनको एक धमाका मिल गया था, हमारे कछवा वंश के राजा ने गिफ्ट दे दिया, आपको याद होगा, एक भारमल ने बहुत जोर शोर से स्वागत भी किया और आते वक्त बोले कि जियारत करके आ जाओ साहब, आते ही आपको गिफ्ट मिल जाएगा। उन्होंने शादी कर दी सांबर में, मुलाकात करी थी सांगानेर में, शादी हुई सांबर में, ये आपको याद होगा।
तो ये एक घटना है। और बाद में आगे चल करके अकबर ने, कहते हैं कुछ लोग तो कहते हैं कि इन्होंने एक बड़ी देग जो है वो गिफ्ट करी थी। आपको पता होगा कि दरगाह में जब जाते हो तो दरगाह में जैसे ही एंट्री करते हो तो राइट हैंड की ओर एक बड़ी दरगाह वो देग है, उस देग को गिफ्ट किया दिया किसने, अकबर ने दिया था। जबकि इधर लेफ्ट साइड में छोटी देग है उसको जहांगीर ने दिया, ऐसा सुना है। और एक तकड़ी बात है कि उस समय दरगाह के अंदर, दरगाह में बहुत सारे लोग जो काम करते थे उनका सबका भाई पूरी व्यवस्था कैसे चले, पैसा कहां से आएगा। तो उस समय कहते हैं कि अकबर बड़ा खुश हुआ था और मन्नत पूरी हो गई थी, जहांगीर उत्पन्न हो गया था। तो उन्होंने खुश होकर के क्या बोला कि मैं 18 गांव दान देता हूं, दान नहीं दिए थे, बोले मैं 18 गांव देता हूं और यहां से जो इनकम आएगी उसे इसकी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। तो कितने गांव दिए, 18 गांव किसने दिए, अकबर ने दिए। ये तमाम बातें, हाँ बुलंद दरवाजा बड़ा गजब का क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, तो बुलंद दरवाजा दो जगह है, एक है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा, वो भी अकबर ने बनवाया, और एक यहां पर है बुलंद दरवाजा, वो भी अकबर ने बनवाया। एक और तकड़ी बात बताता हूं, बहुत ही शानदार है, जो बुलंद दरवाजे पर हर हमेशा जब इसका उर्स भरता है, यानी ख्वाजा साहब का जब उर्स भरता है रजब के महीने में भरता है, रजब में पहली से छठी रजब की बात हो रही है, पहली से छठी रजब में जब उर्स भरता है तो उर्स का एक झंडा जो है, उस झंडारोहण मतलब झंडारोहण होता है, तो वो झंडा सबसे पहले भीलवाड़ा का गोरी परिवार जो है वंशानुगत उनको अधिकार मिला हुआ है वही करते हैं ऐसा। तो ये एक से छह रजब। दोस्तों एक तकड़ी बात, 2011 अभी 2023 में जो उर्स आयोजित हुआ वो 823वां है। कौन सा है, 823वां, ये बात भी आप याद कर सकते। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 811वां करना है, 811वां 2023 में कौन सा उर्स, 2011वां। ये तमाम बातें जो थी वो बताना जरूरी था, क्योंकि यहां से कई बार